टेस्टी सा घेवर पहली बार ट्राई किया है और कैसा बना है ये तो बच्चे बताएंगे खा के अभी मैंने खा के टेस्ट नहीं किया है लेकिन देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना कि मार्केट का तो मतलब कभी इतना अच्छा हो ही नहीं सकता जितना अच्छा और मैं बहुत डर रही थी बनाने से पहले कि पता नहीं कैसा बनेगा पर बहुत सुंदर बहुत ही मतलब अच्छा बना है देखने में पाँच पीस मैंने बनाए हैं एक कटोरी में मतलब से पाँच भी और गर्मी बहुत है रसोई में खड़े खड़े कम से कम दो घंटे हो गए हैं लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया देख सकते हैं आप तो चलिए रेसिपी देख 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 लेते हैं कैसे बनाया है ठीक है घी और बनाने के लिए हम एक बड़े बर्तन में लेंगे देसी घी पिंगला हुआ और उसमें डाल लेंगे बर्फ के टुकड़े पाँच छः टुकड़े आप डाल सकते हैं बड़ा टुकड़ा है तो तोड़ के डाल सकते हैं और हाथ से अच्छे से मिलाना स्टार्ट करेंगे इसको जब तक जो हमने घी डाला है इसमें देसी उसका मक्खन नहीं बन जाता है मतलब वो बिल्कुल क्रीमी फोम में नहीं हो जाता है यही सबसे ज़्यादा कठिन स्टेप है इसका या तलना तो ए, मतलब एक बार अगर स्टार्ट कर देंगे तो फिर तो जल्दी जल्दी हो जाता है लेकिन बैटर तैयार करना ही है अगर आप इसे मिक्सी में करना चाहते हैं तो मिक्सी में भी कर सकते हैं मिक्सी के जार में चार पाँच चम्मच या जितना भी आपको बनाना है घी डाल लीजिए बर्फ़ के टुकड़े डाल लीजिए और उसके बाद उसको चला लीजिए फिर मैदा और पानी और दूध डाल के मिक्स कर लीजिए देख देखिए कैसे क्रीम सी हो गई है इसकी घी की है तो इसको ऐसे ही फेंट कर आपको तैयार करना है अब हम इसमें डाल लेंगे मैदा मैंने ये एक कटोरी मैदा लिया एक पाव के आसपास होगी मैंने एक छोटी गिलास इसमें दूध डाला है और तो एक साथ सारी मैदा नहीं डालनी है थोड़ी थोड़ी मैदा डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा दूध या दूध तो थोड़ा सा ही डाल लेंगे एक बार बस अब थोड़ी सी मैदा उड़ाल लेंगे और अब इसमें डाल लेंगे ठंडा पानी तो मैंने एक गिलास में दो तीन बर्फ़ के टुकड़े डाल लिए हैं जिससे पानी ठंडा रहे और ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिलाते रहेंगे और अपनी जब तक हमारी मैदा ख़त्म होगी तो सारी मैदा धीरे धीरे करके मिला लेंगे थोड़ा सा पानी थोड़ी सी मैदा मिलाते रहेंगे अगर सारी मैदा एक साथ डाल देते हैं ना तो इसमें गुठलियाँ पड़ने का डर रहता है कि फिर घुलेंगी या नहीं तो ऐसा धीरे धीरे करके करेंगे तो फेंटने में भी आसानी होती है तो हमारा बैटर ऑलमोस्ट बनने वाला है इसमें जब भी आप पानी डाल लें पानी इसमें हमें ठंडा ही डालना है क्योंकि ये बैटर जो बनाना है हमें ठंडा रखना है बिल्कुल चाहे तो आप बनाने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं नहीं तो आप ठंडा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये ठंडा ही रहेगा और जितना बनाना है उतना निकाल लीजिए फ्रिज में भी रख सकते हैं नहीं तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि बाहर रखेंगे तो कैसे रखना है अभी मैं इसको छान रही हूँ ताकि बिल्कुल शोर हो जाऊँ कि इसमें एक भी गुठली कोई भी गांठ नहीं है तो मैंने एक बड़ी छन्नी ली है और उसमें चमचे की मदद से छान लूँगी और इसमें जो है आपको दाने से दिख रहे हैं ये घी की वजह से हैं क्योंकि हमने जो घी इसमें डाला है उसके ठंड की वजह से थोड़ी सी गाँठे बन गई हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आप इसको कढ़ाई में छोड़ेंगे तो हिलाते हुए हमें ये छोड़ना है तो देख लीजिए मैंने बिल्कुल छान दिया कोई इसमें गुठली नहीं है बिल्कुल अच्छे से सारा नीचे ब्रेन हो गया है तो हमारा बैटर ऑलमोस्ट बन के तैयार है थोड़ी देर इसको हम छोड़ देंगे जब हम बनाएंगे थोड़ा सा इसको पतला कर लेंगे मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया अब देखो हम इसको बाहर रखेंगे तो हमें क्या करना है एक बर्तन में थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल के पानी डाल लेना और उसके अंदर ये भगोना हमें रख देना है जिससे ये बैटर हमेशा ठंडा बना रहेगा जब तक हम बनाएंगे तो अब गेवर बनाने के लिए मैंने ये एक ऐसा गोल वाला भगोना लिया है ये सभी के घर में मिल जाते हैं अगर अगर आपके पास मोल्ड नहीं है और मैंने इसमें डाल दिया देसी घी क्योंकि मैं देसी घी में बना रही हूँ आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं जैसा आपका हिसाब हो तो मैंने थोड़ा सा बैटर डाल के देखा है कि घी गर्म हुआ है नहीं हुआ और घी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है तो हम अपना ये पहले वाला घेवर बनाना इस्टार्ट करते हैं पहला तो मेरा ख़राब हो गया था आपको दिख ही रहा है ये साइड में रखा है ये कैसे खराब हुआ है और कैसे मैंने इसको ठीक किया है फिर बाद में वो तो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी फ़िलहाल तो हमने जो सेकंड में अपना गेवर बना रही हूँ तो उसमें जो कमी थी बैटर में वो मैंने ठीक कर लिया और अब मैं बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल हल्का हल्का बूंद बूंद करते हुए मैं ये बैटर इसमें डालना है और ऐसे बिल्कुल बीच में एक खाली जगह हो जाती है जब हम बैटर डालते हैं और जब वो फिल हो जाती है ना डालते डालते बैटर तो उसको चम्मच से हमें ऐसे थोड़ा सा चारों तरफ को कर देना चाहिए ताकि बीच में बैटर डालने की जगह बन जाए और बहुत ये थोड़ा पेशेंस का काम है धीरे धीरे बिल्कुल बूंद बूंद करके हमें ये डालना होता है तभी जालीदार घेवर बनता है बहुत करारा एकदम खस्ता और तेज आंच रखनी है बिल्कुल गैस को बिल्कुल मंदा नहीं रखना है नहीं तो घेवर चिपक जाता है तो ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए और जब भी आप बैटर डालें तो बैटर को चलाना भी जरूरी है क्योंकि मैदा है नीचे बैठ जाती है तो इस तरह बीच में जगह बनाते रहें और ऐसे डालते रहें और जब झाग थोड़े कम हो जाते हैं सेकंड बैच तब और एकदम लाइट चली गई एकदम अंधेरा हो गया किचन में और हमारा ये बैच भी सीख गया है पहला घेवर हमारा सीख के तैयार हो गया निकाल के साइड रख देंगे एक जाली पे आप रख सकते हैं जिस जिससे एक्स्ट्रा घी और या तेल जो भी है वो नीचे निकल जाए तो मैंने ये इस तरह जाली पर रख दिया अब हम अपना सेकेंड बनाएंगे सेकेंड गेवर तो बस सारे इसी तरह बनाने हैं देखो इस इस तरह शुरुआत करनी है जब झाग थोड़े कम हो जाएंगे जब आप डालेंगे ना जब आपको ऐसा लगेगा ये तो बिखर रहा है लेकिन आप जब धीरे धीरे करके बारी बारी से डालेंगे तो सब एक दूसरे से चिपकते हुए ये चले जाते हैं तो अभी ये गैस थोड़ी मंदी थी तो मैंने ये दूसरे वाली गैस पर रख लिया था भगोना वो वाली थोड़ी तेज़ चलती है तो हमारा ये दूसरा घेवर बन तैयार हो गया है ऐसे ही करते हुए हम सारे घेवर बना लेंगे एक बार फिर मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ देखो अभी काफ़ी मोटा इस समय बना हुआ है घेवर चाहे तो आप इसे इतना मोटा भी बना सकते हैं और अगर आपको और मोटा बनाना है तो आप बैच डालते जाएं मतलब बैटर डालते जाएं जितना बड़ा बैच आपको बनाना है तो इस तरह ऐसे हल्का हल्का बिल्कुल एक डेढ़ चम्मच एक बार में हमें डालना है और पतला रखना है बैटर को ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि गाढ़ा बैटर नीचे बैठ जाता है और फिर इसको ऐसा चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा साइड कर दीजिए और सेकंड बैच तब डालिए मतलब बैटर दोबारा तब डालिए आई होप सो आपको समझ आ रहा हो गया मैंने भी पहली बार बनाया है लेकिन बहुत अच्छा बना है बहुत अच्छा बना है तो हमारे दो देखो कितने जालीदार एकदम करारे बन तैयार हुए हैं बहुत ही मतलब मैं आपको कैसे बताऊं बहुत ही अच्छे लग रहे थे हाथ फील करके और हमारा ये तीसरा भी तैयार हो गया है फोर्थ नंबर और जब तक आप शुरुआत नहीं करते जब तक ये चीज़ें कठिन लगती हैं जब आप एक बार शुरुआत कर देते हैं ना फिर चीज़ें कठिन नहीं लगती फिर तो होती चली जाती हैं तो लीजिए जी एक कटोरी मैदस है मेरे पांच पीस बनके तैयार हो गए हैं तो चलिए अब हम इसको तैयारी करते हैं गार्निश करने की तो मैंने पहले ही दूध चढ़ा दिया था तो रबड़ी तो बन गई थी मेरी सबसे शुरू में ही मैंने बना के रख ली थी अभी मेरे को बनानी है चासनी चासनी मैंने नहीं बनाई थी कि बाद में बना लूँगी तो मैंने इसमें एक कटोरी खांड चढ़ा दिया क्योंकि चीनी हम आजकल नहीं खा रहे हैं कितने ही दिन हो गए मैंने चीनी घर से मतलब आउट कर दिया है अब हम चीनी नहीं खाते तो ये कच्ची खांड है तो एक कटोरी कच्ची खांड में थोड़ा सा पानी डाल डालकर बॉइल कर लिया तो हमारी ये हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बनानी है कोई तार वाली चासनी नहीं बनानी है इसके लिए चाहे तो आप चाशनी में डिप भी कर सकते हैं गेवर को लेकिन मैंने डिप नहीं किया तो मैं से ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए तो मैं से तीन चार चम्मच इसके ऊपर चाशनी डाल दूँगी इससे ही बहुत मीठा हो जाएगा लीजिए जी, जी। चाहे तो आप डिप करके निकाल के एक जाली पर रख सकते हैं कि एक्स्ट्रा मीठा निकल जाएगा जितना इसको ज़रूरत है ले लेगा इसके ऊपर हम लगा देंगे रबड़ी और रबड़ी भी आप चाहे और पतली रख सकते हैं चाहे और थिक कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है अभी फ़िलहाल मैंने ज़्यादा एक किलो दूध से ही बनाई थी बस ज़्यादा नहीं बनाई थी जब और तैयार करूँगी मैं घेवर तो और बना लूँगी अभी मैं फ़िलहाल एक ही घेवर तैयार कर रही हूँ और अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप जो भी आपको पसंद हो जो भी अवेलेबल हो घर में और नहीं तो ऐसे ही खाली रबड़ी लगा कर भी खा सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं है ड्राई फ्रूट की लेकिन ये है कि ड्राई फ्रूट लग के थोड़े और सुंदर लगते हैं मैंने काजू बादाम चिरौंजी और किशमिश इस पर लगा दी है और अगर आप इसको और भी अच्छा दिखाना चाहते हैं तो थोड़े से गुलाब की ताजी पत्तियों से गार्निश कर सकते हैं एक अच्छी सी स्मेल और लुक तो बेहतर हो ही जाता है तो लीजिए जी बहुत बेहतरीन घेवर बन तैयार है कल तीज है बनाइए आप अपने परिवार को खिलाइए और भगवान जी को भोग लगाइए मैंने भी आज फर्स्ट टाइम बनाया है वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना और अब हम देख लेते हैं कि मेरा घेवर ख़राब कैसे हुआ था और मैंने उसका क्या किया तो जैसे मैंने पहला बैच डाला ना तो घी थोड़ा कम गर्म था मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे क्योंकि फर्स्ट टाइम था और मैं ऐसे ही बस चम्मच से मैंने देखा भी नहीं और ऐसे डालते डालते चली गई लेकिन ये बीच में आप देख सकते हैं जब मैंने चम्मच से इसको हिला के देखा तो ये बीच में चिपक गया था भगोने की तली से मैंने उसके बाद भी इसमें डाल दिया ये दोबारा सा तो फिर मुझे महसूस हुआ कि ये ऊपर जाली नहीं बन रही है इसमें तो फिर मैंने जैसे चम्मच से हटाया ना तो वो नीचे से एक जगह बैटर इकट्ठा हो गया तो फिर ये मेरा ये एक बैच खराब हो गया मैंने सोचा अब इसको कच्चा निकालूंगी तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा तो इसलिए मैंने इसको पूरा पकने दिया पहले कि ये पक जाएगा तब मैं इसको निकाल दूंगी तो ये एक निकाल के मैंने साइड रख दिया उसके बाद मैंने फिर बनाना शुरू किया अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो घबराइए मत कोई दिक्कत नहीं है इसको साफ़ कर लीजिए आप अपने घी को छन्नी से इस तरह और आप जब दूसरा बनाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा बिल्कुल चिंता की बात नहीं है तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं राधे राधे हैप्पी तीज